नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द इनक्रेडिबल गुरुकुल पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि टीईटी के जो एग्ज़ाम्स हैं, यानी आपके टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। और पैटर्न्स के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं और हम उसको किस तरीके से आसानी से पास कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जो टीईटी के एग्ज़ाम्स हैं, जो आपका मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, वो नॉर्मली 30 मार्क्स का आता है, और अगर आप एचटेट की बात करते हो तो एचटेट के अंदर में 40 मार्क्स का हो जाता है। ये 40 मार्क्स का कैसे होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि मैथ्स तो ऑलरेडी हमारी 30 मार्क्स की है, साथ में हमारा 10 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणितीय अभियोग्यता भी आपकी 10 नंबर की आती है। ये 10 नंबर और ये 30 नंबर दोनों मिलाकर आपको देते हैं यार 40 नंबर। तो हमें जो मैथ्स की तैयारी करनी है एचटेट के अंदर में, तो ये हो जाएगी हमारी 40 मार्क्स की। और अगर हम बात करें नॉर्मल किसी भी एग्जाम के, चाहे वो आपका सीटेट हो या फिर आपका वो यूपी टेट हो, वहां पर आपकी मैथ्स आती है 30 मार्क्स की। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके मैथ्स में सिलेबस क्या क्या है, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिये, मैथ्स में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा जियोमेट्री। अब जियोमेट्री के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं, जियोमेट्री में आपका क्या आएगा, सर्कल के क्वेश्चंस आपके, यानी सर्कल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसमें स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट मीन्स क्या चीज़ होती है, और साथ ही साथ सर्कल के कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। और आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जाएंगे ट्राइंगल से रिलेटेड। ट्राइंगल में मीन्स सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, आपके समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं वो क्या क्या चीज़ों की हैं। इसके अलावा आपका जाएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मीन्स रेक्टेंगल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, और स्क्वायर, कुछ एक इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में यहाँ पर आपसे बात की जाएगी। ज्योमेट्री के सेक्शन में आपकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मेंसुरेशन वाला पार्ट। मेंसुरेशन मीन्स क्षेत्रमिति, यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, इन सब की बातें करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, बेसिकली सारे के सारे टॉपिक, चाहे हमारा सर्कल हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, ये चारों तो आपके आएंगे। साथ ही साथ आपकी जितनी 3D ज्योमेट्री जो है ना, 3D ज्योमेट्री में हमारे पास क्या क्या चीज़ है, हमारे पास यहाँ पर है क्यूब है और क्यूबॉइड है, और हमारे पास में यहाँ पर सिलेंडर है, और आपका अगर हम देखें तो इधर कोन है, आपका स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, यानी इनसे रिलेटेड आपके टोटल सरफेस एरिया, आपके कर्व्ड सरफेस एरिया, और साथ ही साथ आपके वॉल्यूम यानी आयतन भी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तीनों की तीनों चीजें आपकी यहां से पूछी जाती हैं। साथ ही साथ ये जो आपके बेसिक वाले हैं, जो 2D आपका जो ज्योमेट्री है, उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर मेंसुरेशन वाले पार्ट में आते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर सिस्टम का। किसका है, आपका नंबर सिस्टम का। अब नंबर सिस्टम में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, यहाँ पर आपका आएगा LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके अलावा आपके आ जाएंगे फ्रैक्शन, फैक्टर्स आपके आ जाते हैं यहाँ पर, यूनिट डिजिट आपके आ जाते हैं यानी आपकी भिन्न हो गई सारे तरीके की, परिमेय संख्या भी इसी के अंदर का एक पार्ट हो गया, यूनिट डिजिट आपका यहाँ पर आ जाता है, और इसके साथ साथ आपके आते हैं सम ऑफ डिजिट्स बोर्ड मैथ्स का। जी हाँ, बोर्ड मैथ्स का नियम भी आपका यहां पर आता है, रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में से कौन से क्वेश्चंस को आपको पहले करना, आपको पूरे पूरे एक सीरीज दे दी जाएगी और सीरीज को आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर ये है या नहीं है। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएगा आपका नंबर सिस्टम के अंदर में। इसके अलावा जो हमारे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है हमारे सिंप्लीफिकेशन के। सिंप्लीफिकेशन यानी इसमें बोर्ड मास के भी क्वेश्चंस आपके पड़ जाते हैं, और आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। इंटरेस्ट में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है एचटेट के अंदर में, तो खासकर बाकी सिंपल इंटरेस्ट आपका आता ही आता है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड
एंड डिस्टेंस और एलजेब्रा और यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मीन्स वो क्वेश्चन जहां पर आता है कि एक हॉस्टल में इतने दिनों का राशन था, इतने लोग चले गए, इतने लोग आ गए, तो कितने दिनों का राशन बचा है, उस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। एलजेब्रा आपका एक्स और वाई वाले सीरीज के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो सब चीज़ें आपके यहाँ पर आएंगी। ये आपका एक कंप्लीट आपका सिलेबस है सारा का सारा जितना मैंने पहले बताया, और साथ साथ में ये इन्हीं टॉपिक्स में से अब तक सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे हम बात करें आपकी यूपी टेट की, चाहे हम बात करें आपकी एच टेट की, या फिर हम बात करें आपके सी टेट की, या फिर हम बात करें आपके एम पी टेट की। मीन्स मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम आपके टेट में से जो सिलेबस है वो प्राइमरी लेवल के लिए सबके लिए यही है। आशा करता हूँ कि आप साथ ही साथ आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अगर आपने नहीं लिए तो आप बैक में जाकर आप इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ताकि आप इसको एक जगह पर नोट कर सकें। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा कि जो भी आपका सिलेबस का आपका जो जो भी टॉपिक्स है वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे वो टॉपिक जो कि हमारे एचटेट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और साथ ही साथ आपके मैथ्स का सिलेबस है। यूपी टेट में आपका मैथ्स का सिलेबस है, सी टेट में ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। तो मीन्स एचटेट के 40 मार्क्स उन्हीं सारे टॉपिक्स में से आने हैं, और आपके सी टेट और यूपी टेट वगैरह के आपके 30 मार्क्स इन्हीं टॉपिक्स में से आने हैं। इनके साथ साथ पैडागोजिकल भी कुछ टॉपिक्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं मैथ्स के अंदर में। वो क्वेश्चन आपके बनेंगे डायग्नोस्टिक टीचिंग में और रिमेडियल में, मीन्स आपके निदानात्मक शिक्षण और आपके उपचारात्मक शिक्षण में से क्वेश्चंस आपके आते हैं। साथ साथ आपके इवेल्युएशंस यानी मूल्यांकन के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सीसीई पैटर्न पर आधारित होते हैं। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर, मीन्स आपकी औपचारिक शिक्षा कौन सी और अनौपचारिक शिक्षा कौन सी। मैथ्स से रिलेटेड यहाँ पर ये सारे सारे टॉपिक्स हैं, यानी इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे मैथ्स से रिलेटेड आएंगे। इसके अलावा आपके पैडागोजिकल में क्वेश्चंस आते हैं आपके लॉजिकल थिंकिंग से, मीन्स बच्चा लॉजिकल या मैथमेटिकल किस तरीके से सोचता है और इस सोचने के उसके क्या क्या फायदे हैं या कौन कौन से नुकसान है, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके इसके अंदर में आएंगी। और इसके अलावा एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस आपका एक ऐसा टॉपिक होगा जहां पर आपसे बात की जाएगी कि कोई बच्चा कोई गलतियां कर रहा है, कोई त्रुटियां कर रहा है, वो त्रुटियां ये किस कारण से कर रहा है और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। मींस इसके आपके ट्रीटमेंट के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके यहां पर बनते हैं। और आपका आता है प्लेस ऑफ मैथ्स इन क्यूरिकुलम, मीन्स आपके पाठ्यक्रम में मैथ्स का क्या योगदान है कम्युनिटी मैथ्स से, मीन्स आपकी सामाजिक गणित, समाज में गणित को आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके पेडागोजिकल पार्ट है और इस पार्ट में से आपके क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो टॉपिक है ये मैथ्स के अंदर में 15 मार्क्स लेकर बैठता है सी टेट के लिए, यानी सी टेट में 15 क्वेश्चंस आपके इन सारे टॉपिक्स में से आते हैं, बाकी 15 क्वेश्चंस में से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। एचटेट और यूपी टेट में ये जो आपके नंबर्स हैं आपके 5 से 7 तक वैरी करते हैं, बाकी जितना भी वो सारा आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है। आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इन टॉपिक्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बनते चले आए हैं वो, और साथ में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके आने की उम्मीद हैं, उन सब की बातें हम करेंगे वीडियो में। और वीडियोस के एंड में आपके लिए एक्सरसाइज के लिए एक पार्ट आपको दे दिया जाएगा जिसमें कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं अपने लिए खासकर। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट पर आपको हजारों नहीं लाखों आपको ट्यूटर मिल जाएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे आपको द बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी इंटरनेट के ऊपर में, जो कि आपको अपनी तरफ से द बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या परेशानी होती है, या हम एक छोटी सी बात है कि हम भारतीयों के साथ क्या परेशानी होती है कि हम हर एक का चैनल हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, हम हर एक की बातों को पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें एक डायलॉग था कि मुझे तुम्हारे उन 10,000 मूव से कोई डर नहीं लगता जो आपने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से डर लगता है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। हमें
पहले ये चुनना होगा कि किसकी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन से कोरिलेट करती हैं। मीन्स अगर आप अपनी लाइफ के साथ अगर आप किसी भी स्टडी को अगर आप कंपेयर कर सकें या फिर आप उसके साथ आप उसे रिलेट कर सकें, तो यह समझ लीजिएगा कि आपके लिए कोई भी टॉपिक आपका पास करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों, मेहनत तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, लेकिन इतना ज़रूर है मैं आपको अपना 100% दूंगा, और अगर आप अपना 100% अगर आप दे देते हैं तो यकीन मानिएगा टेट क्या आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, एस टेट हो, कोई भी टेट हो, और अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि अगर आप यूपी के असिस्टेंट टीचर्स की आने वाली वैकेंसीज भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आप उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मेरी मैथ्स जो आपको मैं मैथ्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, या जो आप मैथ्स पढ़ने की आप कोशिश करेंगे मेरे साथ में मिलकर, इस मैथ्स में आप फेल नहीं होंगे अगर आप सिर्फ उतना करते जाएं जितना मैं आपको बताता जाऊं। साथ ही साथ आपको अपनी मेहनत का भी पूरा का पूरा योगदान देना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।